ज्योतिषेंद्र कुंडली पार्ट 152, सॉरी हस्तरेखा पार्ट 52, शनि शासित। साथ में वो कुंडली की वीडियो चलते हैं ना, इसलिए वो आ जाता है। तो चलिए शनि शासित की बात करें, तो जितने भी शनि शासित, शनि प्रभावित, शनि से संबंधित जो हाथ होते हैं, ऐसे लोगों की पहचान बड़ी आसान होती है। एकांत प्रिय होंगे, ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। अगर बात करूँ गुरु शासित या गुरु के लोगों कैसे पहचानेंगे, मतलब न्यायकारक होंगे, उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात रखने वाले होंगे, धार्मिक होंगे। अगर बात करें सूर्य शासित, तो अभी सूर्य शासित में डिस्कस करेंगे, अभी दो में बता दूँ। इसके अलावा चंद्रमा, चंद्रमा प्रभावित लोग भी क्या होंगे, अगर अच्छा है तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बढ़िया बात करेंगे, इमेजिनेशन अच्छी होगी। शुक्र शासित है, पॉजिटिव है, तो लग्जरियस लाइफ जीने के इस तरह की चीज़ होती है। सूर्य शासित लोग अच्छे शासकीय नौकरियों में, बड़े बड़े अधिकारी हो, उच्च इस तरह के होते हैं। बुध शासित क्षेत्रों, बुध शासित लोगों को अगर देखना है, तो व्यापार वाणिज्य में थोड़ा अच्छे दिखेंगे, हंसी मजाक करने वाले होंगे, तो ऐसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। चलिए गुरु, अगर मैं आप बात करें शनि शासित सबसे पहले शनि जो मध्यमा उंगली होती है, वो शनि की उंगली होती है, और उसके नीचे का क्षेत्र शनि का पर्वत कहलाता है। जो पर्वत होता है उसके 50 नंबर, जो उंगलियां होती हैं उसके 20 नंबर, इसके अलावा जो 20 नंबर आपको देखने हैं उनको साइन के देने हैं, इसके अलावा जो 10 नंबर देने हैं आपको वो बेसिकली 20 नंबर चिन्हों के देने हैं, और जो 10 नंबर देने हैं आपको वो स्किन का कलर वगैरह क्या है वो उसके लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है पर्वत हो गया, पर्वत के बाद आपको यहाँ पर देखना है उंगली, उंगली के 20 नंबर, इसके अलावा जो आपका चिन्ह है उसके आपको देने हैं 20 नंबर, और जो स्किन का कलर है उसके आपको देने हैं 10 नंबर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें शनि शासित लोगों में, क्योंकि पहचान तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा थोड़े से उनके दांत बड़े हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, और आँखें पीली और झुकी हुई हो सकती हैं। तो ये शनि शासित लोगों की खूबी होती है। अब अगर बात करें, ये ज़्यादा मैंने आपको बताई कि ज़्यादा किसी से बात नहीं ज़्यादा करते। अगर ये बात करूं कि इसका पर्वत, सबसे पहले तो उंगली अगर ये सबसे लंबी होती है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखें कि कोई भी उंगली इससे लंबी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी इससे उंगली लंबी नहीं होगी, सबसे पहले चीज़ ये आप समझें। मध्यमा होती है, ठीक है, इसका इसको सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है, यहीं से पूरा बैलेंसिंग पॉइंट है, यहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं। अब अगर इसकी बात करें तो पहचान मैंने बता दी, उंगलियों को कैसे देखना है, पर्वतों को कैसे देखना है वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो शनि का पर्वत है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सूर्य और बुध पर्वत के बीच में दबा हुआ होना चाहिए, एक नाली जैसा निकलना चाहिए। अगर ये उठ गया तो ये खराब हो गया, शनि बहुत खराब फल देगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ आपको देखना चाहिए कि बिल्कुल फ्लैट या दबा हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बात करूँ सारी उंगलियाँ शनि की ओर नहीं जाना चाहिए, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे तो सबको क्या करेगा, फिर शनि नियंत्रित करना चालू कर देगा। इसके अलावा उंगलियाँ का ये जो आपका जो पर्वत है उसका सेट, हाई सेट है क्या है वो आप देखें कैसा है, एक्सल ट्राई रेडियस कहाँ पर बन रहा है इसमें वो देखें, दबा हुआ है ऊपर से हाई सेट है, तो माने कि आप ये क्या है शनि के गुणों को क्या करेगा, लेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि इसकी जो उंगली है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, नुकीली तो नहीं है, ऊपर से चमचाकार हो रही तो अच्छी मान ली जाती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो ये जो शनि के नेगेटिव गुण है वो फिर इसमें क्या होने लगते हैं, हावी होने लगते हैं, तो ये एक चीज़ आपको देखना है। अब इसके अलावा अगर बात करूँ इसका जो रंग, जो स्किन है वो कैसी है, खुरदुरी है क्या, इसके अलावा हाथ में क्या होगा, जैसे जो शनिवार पर्वत जो शनि प्रधान लोग होंगे उनके जो हाथ होंगे या स्किन कलर होगा हल्का सा क्या होगा, थोड़ा सा पीलापन लिया हुआ होगा, कैसा होगा, पीलापन लिया हुआ होता है। ठीक है, ये चीज़, और स्किन थोड़ी सी खुरदड़ी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक चीज़ होती है, और प्लस जब आप इसके पर्वत को दबाएंगे तो एक थोड़ा सा क्या होगा, एक वापस बम्पी बना ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करूं, अगर शनि सही है हाथ में, शनि अगर सही है तो ये न्याय के कारक होते हैं, हर चीज़ को बहुत तोल मोल के और डिसीजन भी बहुत सोच समझ के देते हैं। जिनका भी शनि अच्छा है उनके नौकर चाकर उन्हें कभी धोखा नहीं देते। ठीक है, अगर ये खराब हुआ तो ये डिप्रेशन देगा, ऐसे निराशावादी हो जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा स्किन इनकी मैंने बता दिया कि थोड़ा सा खुरदुरी होगी, इस तरह की चीज़ें याद रखें। अगर भाग्योदय की बात करें तो 36 वर्ष के बाद शनि का भाग्योदय समय, शनि से शासित आदमी है तो भाग्योदय 36 वर्ष के बाद ही होता है। तो ये था वीडियो शनि शासित, शनि का पर्वत मैंने आपको बताया हमेशा दबा हुआ होना चाहिए। अन्य पर्वत एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, राहु
केतु और ये बीचों बीच ये लाइन मंगल, ठीक है। इसके अलावा और भी नेपच्यून वगैरह का भी दिया हुआ है, उस मेरे वीडियो में आप पीछे जाके देख सकते हैं। गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत शनि से ऊपर होने चाहिए, बुध पर्वत भी ऊपर होना चाहिए, सूर्य पर्वत भी ऊपर होना चाहिए, शनि पर्वत नीचे होना चाहिए। जो चंद्र पर्वत है शुक्र के नीचे होना चाहिए, शुक्र के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर हो गया तो गया और बहुत नीचे है तो भी गया। मंगल जो होता है ये मंगल दबा हुआ होना चाहिए, ये मंगल उठा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।